Since day one, it's been a struggle for us. It was not easy. I was not staying with my parents. The first half of my career, it was all about taking pressure and going through tough times. The situation was such that we couldn't have done anything. I lost all of that in those phases. Yeah, it was a hard pill to swallow. It was not easy. You cannot always have a great ride. Obviously, there will be some downs, no matter what you do in your life. वर्तमान युग में जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा हावी होती जा रही है, बच्चों का बचपन भी छीनता जा रहा है। पहले जहां गली मोहल्ले से लेकर खेल मैदानों में बच्चे हर तरफ के खेला खेला करते थे, वहीं आज स्कूल से आने के बाद बच्चों को कोचिंग के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों को पढ़ाई से अतिरिक्त देखा जाए तो सिर्फ सोने और खाने तक ही समय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। मानो खेल तो उनके बचपन का हिस्सा ही नहीं रहा। बच्चे कुछ समय निकाल तो घर के नियम रोक लेते हैं उनसे। टीवी सीरियल या वीडियो गेम, उसी से समय गुजारा जाता है। अभिभावक के द्वारा बच्चों की रुचि जाने बगैर ही उनका करियर सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसके उलट देखा जाए तो खेल में भी बेहतरीन करियर बनाया जा सकता है। बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें खेलने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। शिक्षा जरूरी होनी चाहिए, मगर रुचि के अनुसार। करियर के लिहाज में खेल का क्षेत्र भी कम नहीं है। खेल में करियर की अपार संभावनाएं हैं। आज हम भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे स्टार प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही पढ़ाई के साथ खेल को वरीयता दी और आज अच्छे मुकाम पर है। रोहित शर्मा का नाम आज कौन नहीं जानता। हम सब में बहुत सारे लोग को ये बात नहीं पता है कि रोहित का बचपन बहुत ही संघर्ष से भरा था। रोहित शर्मा नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन घर में पैसा न होने की वजह से उनके पिताजी उनको मुंबई उनके चाचा जी के पास भेज दिया था। रोहित शर्मा का बचपन बहुत ही दुखद था। रोहित शर्मा के पास ना बैट था और ना ही बॉल। दूसरों से मांग कर वो खेलते थे। रोहित खुद बताते हैं कि उनके पास नया बैट लेने के पैसा तक नहीं थे, लेकिन उनके क्रिकेट के प्रति समर्पण को देखकर उनके चाचा जी एक सस्ती सी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा देते हैं। वहां पर रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला और सब लोगों को दिल जीत लिया। उनके चाचा भी ने यह पर उनके एक नया बैट खरीद के दे दिया था। रोहित शर्मा ने बताया कि वो इस बैट को बहुत ही संभाल के रखते थे। कभी कभी तो बैट टूटने के डर से वो आने वाले गेंद को अपने ऊपर ले लेते थे। वो समय बहुत ही कठिन था, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और देखते ही देखते महान क्रिकेटर बन गए। रोहित ने यह भी बताया कि शुरू में वो एक अच्छा गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन एक वजह वो आठवें नंबर पर बैटिंग करने आते थे। रोहित ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि वो बॉलिंग से अच्छे बैटिंग करते हैं, और जब उनको पहले बार ओपन करने का मौका मिला तो उन्होंने शतक बनाया। हम सब लोगों को यह लगता है कि सफलता बहुत ही आराम से मिलता है, लेकिन हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उस इंसान ने कितना मेहनत किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।